એજ્યુકેશન સોસાયટી આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. હું આરતીબેન બાબરિયા, વિષય હિન્દી, ધોરણ 8. આજ હમ સંજ્ઞા કે બારે મેં દેખેંગે. સંજ્ઞા કી વ્યાખ્યા હૈ કે કિસી વ્યક્તિ, વસ્તુ, પક્ષી, પદાર્થ, સ્થાન, રૂપ, ભાવ યા અવસ્થા બતાને વાલે શબ્દ કો સંજ્ઞા કહેતે હે. યહાં પર સંજ્ઞા કિસે કહેતે હૈ તો કોઈ ભી પક્ષી, વસ્તુ, પદાર્થ, ગુણ, ભાવ યાની ભાવ યાની વસ્તુ, દુઃખ, એસે ભાવ, અવસ્થા સબ કુછ બતાતા હૈ ઉસે સંજ્ઞા કહેતે હૈ. संज्ञा के प्रकार देखे तो उसमें पहला प्रकार देखे व्यक्तिवाचक संज्ञा. किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. कोई भी खास व्यक्ति है, प्राणी या कोई भी स्थान, स्थान यानी कि पर्वत है तो गिरनार पर्वत, अच्छी कोई भी नदी, फिर कोई नदी है तो नर्मदा नदी है, इसे उसका नाम दिया गया है इसलिए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. यहाँ पर देखिए एक अहमदाबाद, गांधीनगर, नर्मदा, गिरनार, यहाँ पर सबके नाम दिए गए हैं इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है. उधर बदला देखे तो अहमदाबाद एक बड़ा शहर है तो यहाँ पर क्या दिया गया है, अहमदाबाद. यहाँ पर शहर का नाम दिया गया है इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेगा. गांधी जी एक महान व्यक्ति है तो यहाँ पर गांधी जी है उसका नाम दिया गया है इसलिए वह यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है. दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा. जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. संपूर्ण जाति यानी कि हम बोलते हैं गाय तो हमारे सामने में गाय की संपूर्ण जाति आ जाती है. शिक्षक तो कोई एक शिक्षक नहीं बल्कि सारे शिक्षक यहाँ पर आ जाते हैं. उदाहरण के लिए बहुत शिक्षक हिंदी पढ़ाते हैं तो यहाँ पर नाम भी दिया गया है, क्या कहा गया है, शिक्षक, इसलिए यह जाति का संज्ञा है. दूसरा बहुत गाय है तो गाय हमें संपूर्ण गाय की जाति का बोध कराती है इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है. तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा. जो शब्द गुण, दोष, भाव, दशा, अवदशा आदि का बोध कराते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे देखे तो दया, क्रोध, सुख, दुख ये सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है. इसमें बोला है हमारे जीवन में सुख दुख आते रहते हैं तो यहाँ पर यह सुख सुख दुख के यह भाववाचक संज्ञा है. इसके बाद चौथा प्रकार है समूहवाचक संज्ञा. जो शब्द समूह का बोध कराते हैं उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं. जो शब्द समूह का बोध कराते हैं यानी कि लश्कर, टोली, झुंड आदि शब्द है वह समूह का बोध कराते हैं इसलिए यहाँ पर यह समूहवाचक संज्ञा है. पहला उदाहरण है कि मेले में बहुत भीड़ होती है तो यहाँ पर भीड़ है वह हमें समूह का बोध कराती है. दूसरा है सैनिकों की सेना हमारी रक्षा करती है तो यहाँ पर सेना, सेना कई सैनिकों से बनती है इसलिए सेना है वह समूहवाचक संज्ञा है. पांचवा प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा. जो शब्द प्रायः खाने पीने की चीजों और धातुओं का बोध कराते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं. द्रव्य यानी कि पानी, दूध, सोना, चांदी यह सब है और द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है. पहला उदाहरण है मेरे पास पानी की बोतल है तो यहाँ पर पानी है वह द्रव्यवाचक संज्ञा है. दूसरा बहुत तेल का कुआ है तो तेल है यह द्रव्यवाचक संज्ञा है. यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों हमारा यह संज्ञा का टॉपिक पूरा होता है. हमारी साथे जुड़ा बदल खूब खूब आभार.